नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। एक कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। बात अगर राजनीतिक लड़ाई की हो तो फिर हर पार्टी, हर नेता इस कथनी को करनी में बदलने की पुरजोर कोशिश करता नजर आता है। और इस बार भी लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर फाइट हाई होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार के नारे को टारगेट किया है, तो बीजेपी भी कांग्रेस को SC ST और OBC का विरोधी बता रही है। चुनाव के बाकी 5 चरणों पर आरक्षण को लेकर शुरू हुई नतीजों का क्या असर होगा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आरक्षण के मुद्दे ने 24 की लड़ाई को काफी गर्मा दिया है। भाजपा का हमेशा प्रयास रहा है कि SC ST OBC को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी SC ST OBC के आरक्षण की समर्थक है। देश सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण पर सियासत गरमाई, चुनाव में आर पार की लड़ाई। SC ST OBC जनरल हिंदू मुस्लिम का चुनावी समीकरण। लोकतंत्र संविधान पर उठे सवाल, बीच चुनाव देश बचाने का ख्याल। समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता लाने और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए आरक्षण उनकी जगह सुरक्षित करता है। आरक्षण का काम यह सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछड़े वर्ग को भी इसका लाभ मिले और जाति की परवाह किए बिना सभी को एक समान मंच मिल सके। लेकिन राजनीति ने आरक्षण की परिभाषा के मायने पलट कर रख दिए। सत्ता के दौर में आरक्षण महज एक पहिया बनकर रह गया, जिसके सहारे हर राजनीतिक दल अपनी गाड़ी को संसद के दरवाजे तक ले जाने की जुगत में जुटा है। चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हालात ऐसे बने कि आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के एक फेक वीडियो के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी नेताओं का ये दांव उल्टा पड़ गया और अब अमित शाह के साथ साथ पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ST SC OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ST SC OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है। चुनावी मौसम में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। चुनाव के 2 चरण खत्म होने के बाद उठे आरक्षण के मुद्दे पर एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की मंशा का आरोप लगा रहे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी जनता के सामने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को SC ST और OBC का विरोधी बता रहे। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। भाजपा का हमेशा प्रयास रहा है कि SC ST OBC को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। आजादी के बाद पहली बार ये दशक ऐसा आया है कि
कि आज विधायकों की संख्या देख लीजिए, सांसदों की संख्या देख लीजिए, पूरे देश में एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, एससी एसटी ओबीसी सबसे ज्यादा भाजपा के चुन करके आते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया तो कांग्रेस ने इस नारे को आरक्षण हटाने की तैयारी की मंशा बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 400 सीटें लाकर बीजेपी संविधान बदल देगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संविधान से आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार के नारे को डैमेज करने की शुरुआत की तो बीजेपी की पेशानी पर भी बल आए। खुद अमित शाह को कहना पड़ा कि कांग्रेस 400 पार के नारे को ट्विस्ट कर रही है, बीजेपी हमेशा आरक्षण के पक्ष में रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे। ये हम सबका विश्वास बना है। कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। अब की बार 400 पार के बीजेपी के नारे को कांग्रेस ने टारगेट किया तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के कुछ नेताओं के इससे जुड़े बयान को ही कहा जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक से मौजूदा सांसद अनंत हेगड़े, नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्दा, मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल और अयोध्या से प्रत्याशी लल्लू सिंह के वो बयान जिसमें 400 सीटें जीतकर बीजेपी के सत्ता में आने पर संविधान बदलने की बात कही गई थी, इसे लेकर कांग्रेस को बैठे बैठाए मानो पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस के इस चुनावी चाल में बीजेपी फंसती भी दिख रही है। बीजेपी नेताओं ने रैलियों में अब की बार 400 पार के नारे की फ्रीक्वेंसी को कम किया और विपक्ष के हर हमले पर बड़े नेता जवाब देने मीडिया के सामने आ रहे। इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाले विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोधी है, क्योंकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोधी है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लाभ का पूरी तरह पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ेगी। अभी जब ये कहते हैं ना कि इतना वोट हमें दो, क्या है मूलतः ही आरक्षण विरोधी लोग हैं। दो तरीका होता आरक्षण खत्म करेगा, नौकरियां ही खत्म कर दो तो आरक्षण स्वतः खत्म हो गया, प्राइवेटाइज कर दो इंस्टीट्यूशन को तो आरक्षण स्वतः खत्म हो गया। तो ये बड़े चालाक शातिर किस्म के लोग हैं। आरजेडी तो कानून बहुत जानती है, अच्छी बात है। भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का संविधान संरक्षित है, बाबा साहब का द्वारा बनाया गया संविधान हमेशा रहेगा। आरजेडी को जानना चाहिए कि जिसके साथ खड़े हैं कांग्रेस के साथ, उसने इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस पार्टी के साथ नए संबंध के कारण वह मटन बन रहा है ना, मैंने सुना है, तो अतीत भूल गए क्या? तो भाजपा, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लिए समर्पित है,
संविधान के वसूलों के लिए समर्पित है और हम ओबीसी एससी एसटी का अधिकार कभी हरण नहीं होने देंगे। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्ष दलों ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी और दलित समुदाय के मतदाताओं को साधने की योजना बनाई। कांग्रेस लगातार संविधान और लोकतंत्र को बीजेपी से खतरा बता रही, तो अब बीजेपी ने इसकी काट निकालने के लिए नई रणनीति तैयार की। जिस मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ देकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई है, अब बीजेपी ने विपक्ष की इसी ताकत को लोकसभा चुनाव में अपना हथियार बना लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण को ओबीसी समाज के हितों पर चोट करार दिया। इससे चुनावी माहौल में गर्मी और ज्यादा बढ़ गई। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। और तुष्टिकरण में डूबी कांग्रेस कर्नाटक का यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती। कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए खतरनाक खेल में जुटी है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटक में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। आपको बता दें कि मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा है कि कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी समुदाय के आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। कर्नाटक में सरकार ने ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण का विभाजन इस तरह से किया है कि उससे पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलने लगा है, जबकि ओबीसी समुदाय की ही मानी जाने वाली कई जातियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में ओबीसी समुदाय को 32% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन इस आरक्षण को 4 अलग अलग उप श्रेणियों में बांट दिया गया। श्रेणी ए, श्रेणी बी ए, श्रेणी बी और तृतीय बी के रूप में ओबीसी आरक्षण की 4 अलग श्रेणियां बना दी गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक श्रेणी ए में 95 जातियों को शामिल किया गया। 95 जातियों में 17 जातियां मुसलमानों की शामिल है। द्वितीय ए श्रेणी में 103 ओबीसी जातियों को रखा गया है, लेकिन इसमें भी मुसलमानों की 19 जातियां शामिल हैं। आयोग के अनुसार पूरे मुस्लिम समाज को कर्नाटक में 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक में मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण का मुद्दा सामने आने के बाद पीएम मोदी के हमले ने कांग्रेस को परेशान किया है। पीएम मोदी के आरोपों का कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जवाब दिया। सिद्धरमैया ने पीएम मोदी के आरोपों को सरासर झूठ बताते हुए कर्नाटक में आरक्षण फॉर्मूले का बचाव किया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 और 16, those who are not got the opportunities and those who are backward, socially, educationally backward, such people are entitled for the reservation. That's the constitution. There is no mention of Hindu or Muslim or Sikh or any. All citizens of the country are entitled for the
reservation as per the Article 15 and 16. So, Mr. Narendra Modi ji is lying. In order to polarize the votes, he is making this statement. He is desperate. चुनाव शुरू होने से पहले मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बड़ा दांव खेला। संसद से महिला आरक्षण बिल को पास करवा दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे को फंसाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे के फांस के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में ओबीसी समुदाय पार्टी और उनके कैंडिडेट की किस्मत तय करते हैं। 2017 और 2019 में लगातार दो बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी पर भी ओबीसी समुदाय ने अपना प्यार लुटाया और ओबीसी समुदाय का झुकाव 2009 से लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता गया। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी ओबीसी कोटे की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। 3 लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में 22% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट हासिल हुआ था, जबकि क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 54% ओबीसी का साथ मिला। 2014 में 34% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15% ओबीसी वोट हासिल हो सका। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 51% ओबीसी का साथ मिला। 2019 में बीजेपी के लिए ओबीसी का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ता हुआ 44% तक जा पहुंचा। वहीं कांग्रेस को 2019 में भी सिर्फ 15% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट प्रतिशत भी घटकर 41% हो गया। हकीकत ये भी है कि महिला वोट बैंक को साधने के लिए पास हुआ महिला आरक्षण बिल इस साल चुनाव में सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है। यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ये 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है। संसद में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों ने की, लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव से एन पहले महिलाओं को तोहफा देते हुए बिल को पास करवा लिया। महिला आरक्षण बिल के इतिहास पर गौर करें तो देवेगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 में पहली बार संसद में इस बिल को पेश किया। संयुक्त समिति के पास इसे भेजा गया। सरकार गिरने से बिल लैप्स हो गया। वाजपेयी सरकार में 26 जून 1998 को 12वीं लोकसभा में बिल फिर पेश हुआ। आरजेडी सांसद ने बिल को फाड़ा। सरकार गिरने से बिल लैप्स। वाजपेयी सरकार में 22 नवंबर 1999 में 13वीं लोकसभा में एक बार फिर बिल को पेश किया गया। बिल पर नहीं बन पाई सहमति। सरकार गिरने से बिल लैप्स। वाजपेयी सरकार में 2003-2004 में लोकसभा में 2 बार बिल पेश हुआ। कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन के बावजूद बिल पास नहीं हुआ। मनमोहन सरकार में 6 मई 2008 को बिल पहली बार राज्यसभा में पेश हुआ। कानून और न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। मनमोहन सरकार ने 9 मई 2010 में बिल दूसरी बार राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा से बिल पास कराने में सरकार कामयाब हुई। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत में आरक्षण को लेकर राजनीति हो रही। 2019 के चुनावों में भी ऐसे ही चर्चा शुरू हुई थी। हालांकि उस समय पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि आरक्षण खत्म करने का उनकी सरकार का कोई इरादा नहीं, लेकिन इस बार ये मुद्दा पीएम मोदी के नारे अब की बार 400 पार के साथ चर्चा में। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 400 पार के नारे के साथ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार आरक्षण को खत्म कर देगी, लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदुस्तान के राजनीति की जड़ों में जाति धर्म के साथ आरक्षण भी बेहद मजबूती के साथ जमा हुआ है। पर किसी भी दल के लिए आरक्षण से छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।